फ्रंट तो कुछ सात हज़ार रखा पाया नहीं की वे डेली सेल की अलहमदुल्ला ठीक है जी तकरीबन अजीब जहा लगा है कि अबू धाबी तो है और स्पेशल फिश खिलाने अंदर नहीं ये सारी ऐसे कराची तो मंगा रहे हैं पैकिंग च आ रही डब्बे अकेले आपके बाद तो फिरने हसन अब्दाल आए जी जी बड़ा शौक है तो सा ना जी जी कलर चेक कर लो इस चम एक साइड तो वाइट आ रहे और दूसरी साइड तो यही ब्लैक आ रहे कड़ी गलती है सामने इसी गिलारी बचे आ गया मगर ब्रेक मार इन्हें गुड़ खा लो पिछले साल मछली ज़्यादा बेची नहीं कि इस साल इस टाइम कराची तो मछली आनी है डेफिनेटली उस आने वाने तीन तो चार दिन लगने और फिर उस तो बाद तुसा कोल भी इतने मछली पे ही रहनी है उसना टेस्ट चेंज होना है कि नहीं होना गला कर सा खरिया साफ सचिया ते सुचिया ये कैसे मुमकिन है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और हसन अब्दाल की फ़िश के मुतल अपडेट हम आपको ना दें अरसा दराज से कई सालों से चलता आ रहा है कि हसन अब्दाल की फ़िश जो है ये काफ़ी मशहूर है पहली शॉप पर हम खड़े हैं और शॉप के जो आनर है मेरे साथ मौजूद है और उसे पूछते हैं फ़िश के मतलब क्या है कि टोटल फ़िश की कितनी किस्में हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या भाई का नाम क्या है यासर मसूद नाम है मेरा यासर भाई मुझे ये बताया कि फ़िश कितनी किस्म की होती है हमारे पास फ़िश कांटे वाले भी है बगैर कांटे वाली भी है कांटे वाली में रोहू है माशेर है जो सबसे ज़्यादा हमारे पास चलती हैं बाकी उसके अलावा सिल्वर है डमरा है चाइना फ़िश है और बगैर कांटे में मुश्का है चिड़ा है सिंघाड़ा है फिंगर फिश है सफ़ेद पापलेट है काला पापलेट है हर एक किस्म की वैरायटी हमारे पास मौजूद है इनके रेट वगैरह थोड़ा बताइएगा रेट क्या है इसमें कांटे वाली जो है वो 900 रुपये किलो फ्राई के हिसाब से है और कम कांटे वाली है वो 1000 रुपये के हिसाब से है बाकी बगैर कांटे वाली उसके मुख्तलिफ रेट हैं वो स्टार्ट होती है 1400 से लेकर 2600 तक उसके रेट जा रहे हैं ज़्यादा कौन सी सेल होती है सबसे ज़्यादा हमारे पास रोहू माशेर जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं और बगैर कांटे में हमारे पास मुश्का और चिड़ा सबसे ज़्यादा सेल होती हैं देसी फिश का आपने नाम लिया देसी फिश कौन सी है देसी फिश हमारे पास इस टाइम रोहू है और माशेर पड़ी हुई है ठीक है डैम की है और बहुत बेहतरीन जायके वाली है ये कहाँ से लेके आए आप ये हम मंडी से लाते हैं और मंडी में मुख्तलिफ आगे जो फार्म्स वगैरह होते हैं डैम वगैरह होते हैं वहाँ से आती है तरबेला डैम हो गया आगे पीछे हर एक जगह से मतलब है कि डैम की मछली हमारे पास आती है भजन कहाँ से आए अटक से अटक से स्पेशल फिश खाने के लिए आए क्या वाले साहब लेके आए फिश खिलवाने के लिए वाले साहब आपको बता रहे हैं कि ये रास्ता है फिश का जी कैसी है फिश ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है अच्छा टेस्ट है चाचा कितने टाइम तो आने पे नहीं होते असी तकरीबन ना ना करने 6-7 साल तो पे आने हैं स्पेशली बेटे लेके आए हुए थे फिश खाने हां बेटा बारो आया अबू धाबी जो आया जनाब इस समय आखे तू आप मैं तो मच्छी खिलावा मच्छी खाना चाहना दे यार वैसे परदेश में जिस टाइम मुलाद होवे ते पीछे वालदैन ना काफी दिल धड़कना है और तुसी लसदा किन्ने पे नहीं हो स्पेशली बड़ा अजीब जहा लगा कि अबू धाबी तो आया और स्पेशल फिश खिलाने आंदा ने फिश असे आंदा जी इना कोल नादर वाले कोल आंदा नादर वाले दी मछली जनाब ली है वन बेहतरीन मछली है और बाकी जड़ी और मछलियाँ और किसी को वह नहीं नाम इसी वैसे रुक नहीं इसे वहाँ वो गड्डी खलती है सामने इसी खिलारी बचे आ गया मगर ब्रेक मार इन्हें गुल खा सा बाकिया ने वैसे टेस्ट चेक भी नहीं किया कीजा अगे लेकिन मज़ा नहीं आया मज़ा जरा इन्हों को ले रहा इन्हों को जरा प्यार मिल रहा किसी को नहीं मिलना पिछले साल मछली ज़्यादा बेची नहीं कि इस साल पिछले साल सर जी इस साल कुछ भी नहीं इस साल कुछ भी नहीं की समझ रहे हो की फर्क है बहुत फर्क है जी इस साल जड़ा ना पिछले साल जड़ा तकरीबन दो बोरियां बेचने छिड़े नहीं इस साल एक बोरी है फर्क पै गया फर्क पै गया बहुत ज़्यादा नाले में महंगाई ज़्यादा है की चिड़े ना की रेट चिड़े ने इस समय 24,000 रुपया मान किलो किस तरह किलो तकरीबन पै बना है 900 रुपया पै बना है आप फ्राई जड़ा है 1200 रुपया बेचने पे भाई ने ना की अदनान खान के तो आयो एबटाबाद से क्यों आयो बस ये इधर फिरने घूमने के लिए आए हैं अकेले जी जी या फैमिली है अकेले आए हैं अकेले आपके बाद तो फिरने हसन अब्दाल आए हो जी जी बड़ा शौक है तो सा ना जी जी इतने मछिया कुल की पे कर रहे हो देख रहे हैं फिश के लिए देख रहे हैं आजकल प्राइसेस बहुत आई हुई हैं मार्केट बहुत आई हुई है फ्रेश फिश की फिश सप्लायर तो नहीं हो नहीं नहीं फिश खाने आए हो जी जी अच्छा की चीज़ ऑब्जर्व की चीज़ें अब सर बहुत ज़्यादा कस्टमर बहुत कम में प्राइसेस बहुत ज़्यादा आई हुई हैं ये मैसेज देना चाहते हो ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्राइसेस ये जो है ना कम करें कस्टमर बहुत ज़्यादा हों कस्टमर नहीं है मैं अभी देखकर बड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मार्केट्स जो है वो खाली हैं कस्टमर है ही नहीं है मैं खुद परेशान हो गया हूँ कौन सी शॉप पर मैं ख़रीदूँ ये फिश मेरे ख्याल में अभी टाइम स्टार्ट हुआ है अभी कस्टमर आना शुरू होगा नहीं टाइम तो आपको पता है मगरब के शाम 4 बजे से आना चाहिए ना अभी तक कस्टमर नहीं है मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ किस शॉप से जो है फिर जो मैं ख़रीदूँ अभी तक सेटिस्फाइड में नहीं हुआ
फ्रंट तो कुछ सब्जियां रखा पाया नहीं की वे ए बाम मछली भाईन इसकी की खासियत है ये समुद्री मछली जी बहुत ताकतवर मछली है गर्म भी होती है और ताकतवर भी है ये आनी किथों में ये कराची से आती है समंदर से कराची तो इथे हसन अब्दाल आने वाने मछली खराब नहीं होनी नहीं जी नहीं खराब किथों नहीं काटने जानी है बिल्कुल इस तरह आनी जिस तरह फ्रिज च होनी कड़ी है बिल्कुल जिंदा आसी इस तरह रेट वगैरह की ए फ्राई 1200 ने थे कच्ची 1000 रुपए नहीं इस विच कंडा होने छोटे मोटे कंडे होने लज्जत विच के जी लज्जत सब तो अच्छी मछली बाम है सब अकेली मछली सब तो बेहतरीन ही है बाम मछली सब तो अकेली लाला मुख्तलिफ किस्म थे मछलियाँ पियाँ पियाने इन्होंने मतलब जरा दसो ना ओ खास करके कड़ी मछली साइमन है फिलेट भी बोलते हैं इसे ये की आखने साइमन फिलेट भी से कहते हैं दो नाम है इसके आप एक मकामी जबान में गाल कर सो ज्यादा मजा ठीक है इसका साइमन भी आखने और फिलेट भी आखने ए नाल वाइट काली पपड़ी पहले स्टेप बाय स्टेप चलने हैं ये किस तरह किलो है ए फ्राई जड़ी है 2400 रुपए किलो है कच्ची 2200 रुपए किलो इस नो तो चमड़ा लथा पे या की होया या नहीं इस तरह सर जी ए पूरी इस तरह पैकिंग च इस तरह आ ए सारी इस कराची तो मंगा रहे हैं पैकिंग च आ रही डब्बे ए तकरीबन जबकि यानी कि इस तरह सफा हो के आनी हां जी इस तरह सफा हो के आनी ने ये क्यों चमड़ा है सो तो क्यों लथा ओए सर जी इस जड़े है ना ये पीछे इस तरह से जड़े है ना चमड़ा ला के से जड़े पूरा तैयार करके भेज दे ये ज्यादा ऐसी डिमांड इस तरह है इसकी टेस्ट गज है इसका टेस्ट बहुत प्यारा टेस्ट है ये अक्सर जड़े वाडी छड़ी आलंज वीआईपी होटल में इस्तेमाल होती है अच्छा ए जड़ी आगे पई पी ए गड़ी है ए आगे आगे नहीं जी वाइट पपलेट है ये गड़ी है वाइट पपलेट इस से गड़ी हो से गोश्त कंडा कोई नहीं ए टेस्ट बहुत प्यारी मच्छी अच्छा ये इसका टेस्ट का इस टेस्ट उस तो भी अच्छे ये वाइट पपलेट है जी इस समुंदर च होनी नहीं सही वो भी समुंदर नहीं है ये भी समुंदर नहीं इसना रेट जो है 2200 रुपए किलो फ्राई है कच्ची 2000 रुपए किलो अच्छा तो बाकी जड़िया लोकल पियां पिया नहीं की ये आगे काली पे प्लेट आ गई ये भी समुंदर दी मच्छी है रब ताला सा ने खाने पीने मारो कैसिया कैसिया चीजा बढ़ाईया पिया वाइट है दूसरी साइड तो ब्लैक है मच्छी एक एक साइड जो वाइट है कलर चेक कर लो इसने चम एक साइड तो वाइट आ रहे और दूसरी साइड तो यही ब्लैक आ रहे हैं इसना की रेट है इसना रेट जेड़ा है जी सर जी 2200 रुपए किलो की बिकती पे 2200 रुपए किलो कच्ची 2000 रुपए किलो अच्छा कच्ची 2000 फ्राई करके ते 2200 रुपए 200 रुपए ना फर्क आना किसी नाल 100 रुपए ना आना किसी नाल 200 ना फर्क आना फ्राई च कच्ची च अच्छा कराची तो जिस टाइम इथे आनी तुसा कुल ते रहे तो आने खराब नहीं होनी नहीं सर जी सब बकायदा काटना बिच बर्फ लगी होंदी है पैकिंग च होंदी नहीं गत्ते ने काटना बिच ते सशन टेप लगी कवरा बिच आनी ने अच्छा लाला माई दसो कि जिस टाइम कराची तो मछली आनी है डेफिनेटली उस आने वाने भी तीन तो चार दिन लगने और फिर उस तो बाद तुसा कोल भी इत्थे मछली पे ही रहनी है और उसना टेस्ट चेंज होना है कि नहीं होना अस्सलाम वालेकुम जी कराची तो अजकल जेड़ी मछली आनी है वो टोटल 24 घंटे के अंदर आनी 24 घंटे 22 घंटे तुम्हें पता कि अजकल ट्रांसपोर्ट मोटरवे वजह तो जदीद हो गया तो सफर आसान हो गया तो जल्दी पहुँच जानी 24 घंटे 20 घंटे 22 घंटे अजे मछली ने जड़ा टेस्ट होना है कितने टाइम तो बाद चेंज होना है तीन चार दिन तो बाद मछली का टेस्ट चेंज हो गया और आजकल वैसे पब्लिक ना रुझान की वे कस्टमर ना की रुझान है मछली खाने आने पेने जी बिल्कुल आने पेने लेकिन तुखा पता है कि मुल्की हालात बहुत टफ हैं इस तो बड़ा असर पिया खाने कमा ते भी कोई भी अब गल काम उन्हें तो असर पिया मजा नहीं ओ जाने ही जा पहले या पिछले साल सही है पिछले साल बेहतर है लेकिन ये कि आवाम हूँ भी मछली की तरफ आनी भी आगे पे होनी है खाने पे मछली लेकिन मुश्किल हैं थोड़े हालात डेली सेल कितनी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी तकरीबन लाख प्लस है लाख प्लस हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम सही है सारे चल बिल्कुल सारे ना माशाल्लाह काम अच्छा लगा ना अच्छा का अगर लाख प्लस सेल है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो बढ़ना ही है क्यों जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह कई बंद इतने कोई गाल लगे जी आठ दुकान से पहला पा खा गया गिग कलाई रखे वैसे कस्टमर कड़े कड़े इलाके ना इतने अखा को के पी पुगा ने जी के पी तो लैके इस्लामाबाद तक तो डेली नहीं बुनियाद से लोग आने फिर मछली खाने असन अब्दाल की मछली जो है खास करके अड्डे की वो काफ़ी मशहूर है अगर आपने भी फिश का टेस्ट लेना है और असन अब्दाल की मछली खानी है तो ज़रूर असन अब्दाल अड्डे में आए तो एक साथ ही तकरीबन 5-6 शॉप्स हैं और ये अरसा दराज से मशहूर है असन अब्दाल अड्डा मछली के हवाले से तो आप ज़रूर आइएगा और फिश को टेस्ट कीजिएगा फिर उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन पे जो लोग आ चुके हैं खा चुके हैं वो अपनी राय कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फी अमानिल्लाह।